सर्दियों में ग्लिसरीन इस तरह लगा लो, चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और चमकदार हो जाएगा और सर्दियों में भी आपकी स्किन होगी मक्खन जैसी सॉफ्ट, मुलायम एंड चमकदार। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी। सर्दियों में कैसे हम ग्लिसरीन लगाएं, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम ग्लिसरीन हम किस तरह लगाएं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो और सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा रूखी, सूखी, कठी, बेजान हो जाती है और स्किन हमारी निकलने लगती है, तो हम क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम रात में ग्लिसरीन किस तरह लगाएं जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी फेस पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स का इशू है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लगी है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि सर्दियों में हम जितनी बार फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन का मॉइस्चर खोने लगता है, तो सर्दियों में हम बार बार हमें फेस भी वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार फेस वॉश करने तो जो हमारी स्किन पे नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी स्किन खुद ऑयल्स प्रोड्यूस करती है स्किन को प्लम्पी बनाने के लिए, वो भी बार बार फेस वॉश करने से हमारे जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो भी निकलने लगता है, जिससे कि हमारी स्किन रिहाइड्रेट हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा क्लेंजर बताने वाली हूँ जो कि ना ही आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेबी सॉफ्ट बनाएगा और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी करेगा, ब्राइट भी करेगा। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं 101% इफ़ेक्टिव नेचुरल रेमेडीज़ आपके लिए लाती हूँ, जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे एक बड़ा चम्मच कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को डीपली क्लीन तो करता ही है, साथ ही साथ ये फ्रेंड हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी करता है। मैं रोज़ कच्चे दूध से अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ, सुबह उठते ही मैं कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में भी मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा खुरदरी और पपड़ी से निकलने लगी थी, तो मैंने यही रेमेडी यूज़ की थी। तो हम यहाँ डालेंगे एक चम्मच भर के ही कच्चा दूध। फ्रेंड हम इस रेमेडी में डालेंगे आधा चम्मच ही ग्लिसरीन। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लिसरीन एक नेचुरल हमारी स्किन को इतना ज़्यादा प्लम्पी कर देता है, एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन पे पानी की कमी हो जाएगी, आपकी स्किन प्लम्पी नहीं होगी, सूख जाएगी, तो आपकी स्किन नेचुरली आपकी स्किन पे दरारें पड़ जाएंगी और आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल भी दिखने लगेगी, काली भी दिखने लगेगी। ग्लिसरीन क्या करता है फ्रेंड, हमारी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिससे कि सर्दियों में जितनी भी ठंडी ठंडी हवा हमारी स्किन पे लगती है ना, तो हमारी स्किन से मॉइस्चर को नहीं खींच लेती। ठीक है, जो शुष्क हवा ड्राई एयर चलती है तो वो हमारी स्किन से मॉइस्चर को, नमी को खींच लेती है, इसलिए ही हमारी सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है और स्किन फटने लगती है। तो यहाँ मैं डालूँगी आधा चम्मच ही ग्लिसरीन। फ्रेंड मैं इसमें डालूंगी हनी, जो कि एक नेचुरल एंटी एजिंग का काम करता है और स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज भी करता है। यहाँ पे मैं डालूंगी आधा चम्मच ही हनी। हनी भी एक नेचुरल क्लेंजर है और ये भी हमारी स्किन से बढ़ती उम्र की निशानियाँ, यानी कि झाइयाँ, झुरियाँ, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को आने से रोकती है और स्किन पर एक कसाव भी लाती है। जो हम इसमें लास्ट डालेंगे वो डालेंगे हम एक वाइटामिन ई की कैप्सूल। जी हाँ, वाइटामिन ई एप कैप्सूल हमारी स्किन के लिए इतने ज़्यादा फायदे हैं ना, इसके मैं बता नहीं सकती आपको। विटामिन ई क्या करता है, हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है और अगर आपके फेस पे काले दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, उसे भी धीरे धीरे हल्का करता है और ये भी एक तरह से नेचुरल एंटी एजिंग कहा गया है, क्योंकि इसमें एक तरह से ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मिरेकल का काम करता है। आपको इवन की कैप्सूल जो है ना, कहीं भी केमिस्ट के स्टोर से मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है, 40-50 का पैकेट आता है, तो आप इसे लगा सकते हैं, जो कि स्पेशली बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम्स, लोशन, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सीरम में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास वाइटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो आप इसकी जगह बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक वाइटामिन ई की कैप्सूल ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप दो कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दें और ये आपका बढ़िया सा क्लेंजिंग मिल्क तैयार हो जाएगा, जो कि आप इससे रोज़ अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कितने दिन तक स्टोर करना है। तो आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोसीजर को अगर आप सुबह उठ के करते हैं, सुबह उठ के भी करें और रात को भी करें, फिर देखें कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो आप अपने फेस को अच्छे से, आप कोई मेकअप वेकअप नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। यहाँ पे फिलहाल मेरा फेस अच्छे से क्लीन है, तो यहाँ पे मैं कॉटन बॉल ले रही हूँ, कॉटन बॉल ले रही हूँ। आपके पास कॉटन पैड्स है वो भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसे लगा सकते हैं। तो इससे अपने पूरे चेहरे पे, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच दूध लिया है, तो ये पूरा आपको अपनी स्किन पे लगाना है। मतलब ये जितना भी सॉल्यूशन है आपको अपनी स्किन पे डीपली पेनिट्रेट करवाना है। तो धीरे धीरे अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में कॉटन पैड से इसे अच्छे से मसाज करते हुए पूरे स्किन पे लगाएं। आप चाहें तो अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना हमारे हैंड्स का ब्लैक पड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डल और रूखे सूखे बेजान भी हो जाती है हमारे हाथों की स्किन। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने पूरे अच्छे से जो दूध है, देखिए मैं जो जितना भी दूध था मैंने अपनी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लिया है। मेरी स्किन ने अच्छे से सोख लिया है ये दूध, जिससे कि ये दूध हमारी स्किन के 7 लेयर तक काम करेगा और हमारी स्किन पे इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जब ये पूरा जो है स्किन दूध आपकी जो है स्किन एब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को कर देना है वॉश। उसके बाद आपको कोई भी, आप अपने कोई भी फेवरेट कोई क्रीम लोशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक सीरम लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, फ्लैक्सिड जेल वाला। सो आप इसे रोज़ सुबह उठ के या रात को करें, कम से कम एक बार तो ज़रूर करें, जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे आप सुबह कर लें चाहे आप रात को कर लें। आज की रेमेडी मेरी YouTube फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे ज़्यादा दिन तक भी बना के रख सकते हैं, 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 3 से 4 चम्मच में भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एक टाइम के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं आपके साथ और भी बहुत सारी रेमेडीज लगाती हूँ, बनाती हूँ, तो मेरे पास इतने सारी रेमेडीज हो जाती है ना, तो कि फिर मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बनाती। सो आई होप मेरी आज की वीडियो मेरी YouTube फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई करना, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आप सभी को मिलने वाले हैं। और इस रेमेडी को ना कोई भी आग बन करके लगा सकता है, चाहे आप सेंसिटिव स्किन वाले हैं, चाहे ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे आप नॉर्मल स्किन वाले हैं, या आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, टीनेजर हैं, बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, कोई भी लड़का लड़की लगा सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस का, तो इसे ट्राई करना और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस रेमेडी के। सो टिल देन फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।